ये और सब गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं घोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने एक अपने फ्रेंड को छुड़वाया था, मतलब उसे ना काफी सारे यहाँ के सोल्जर्स ने पकड़ रखा था। तो वहां पर जाकर हमने सभी सोल्जर्स को मारा और उसके बाद वहां से हम लोग एक टैंक में बैठकर निकल गए थे और बीच रास्ते में काफी सारे हेलीकॉप्टर्स आए, काफी सारी कार्स आई और उन सबको मैंने उस टैंक के थ्रू डाउन कर दिया। अब फिलहाल जो फ्रेंड हमें मिला था, जो दोस्त मिला था ना, वो कह रहा था कि ना उसको यहाँ के बारे में ना एक एक चीज पता है कि यहाँ से क्या करना है, यहां पर से कैसे बाहर निकलना है साइलेंट से। तो उसने काफी कुछ बताया था लेकिन उसके बाद वो पता नहीं कहां पर चला गया। खैर छोड़ो, जो भी है, अभी ना हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं जेस स्केल को। मतलब आपको पता ही है हम लोग काफी टाइम से जेस स्केल को फाइंड कर रहे हैं और एक के बाद एक क्लू मिले जा रहा है। तो अभी ना फिलहाल लास्ट एपिसोड में मैं इस वाली जगह पर आया था, आपको याद होगा काफी सारे स्नाइपर टावर पर बंदे खड़े थे, सबको मारा था और यहां से ना काफी सारे क्लू मेरे को इकट्ठे करने थे। तो वो तो फिलहाल मैंने इकट्ठे कर लिए थे लेकिन ना गाइस अभी मेरे को एक दूसरी जगह पर जाना है। तो सबसे पहले ना देखो यार, मैं पैदल तो जाने नहीं वाला, सामने एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है और इस हेलीकॉप्टर को लेने के लिए ना मुझे कुछ बंदों को मारना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, यहां पर ना सामने की तरफ में कुछ बंदे खड़े हैं, अगर मैं इनको एक बार ही मार दूंगा ना तो ये जो हेलीकॉप्टर है मेरा हो जाएगा। तो यहां पर मेरी स्नाइपर के अंदर ना देखो सप्रेसर तो लगा हुआ है लेकिन ना यहां पर काफी सारे बंदे हैं। तो सबसे पहले तो ना मैं फटाफट से प्रॉन कैमो करता हूं। तो यहां पर देखो अभी ना फिलहाल मैंने अपने ऊपर कीचड़ वगैरह डाल लिया तो ये लोग मेरे को ढंग से देख तो नहीं पाएंगे। और यहां पर एक सोल्जर ना सामने की तरफ में गया, तो यार मैं इसको कैसे मारूंगा, मेरे को ना मारने गोली चलाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक आया, एक के मैंने फिलहाल हेडशॉट बजा के उसे डाउन कर दिया, एक बहुत ज्यादा पीछे है, एक बारी बस एकदम मस्त तरीके से निशाना लग जाए। एक सेकंड रुक जाओ, ये गया भाई साहब, दो को मैंने डाउन कर दिया। अभी यहां पर ना एक बंदा मेरे को और दिखा था तो इसको तो मैं नॉर्मली मार दूंगा। चलो अभी फिलहाल मैं अपनी गन निकालता हूं और यहां पर शायद से उसने मेरे को देख लिया। रुक जाओ, ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी है। एक सेकंड, तुम्हारी भैंस की टांग कौन है वे? यहाँ पर कोई तो बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है। ओ भाई ये रहा, एक सेकंड रुक जाओ, वो देखो भाई साहब, वो ना वहां से मिनी गन चला रहा खड़े होके और मैं उसको ढंग से गोली भी नहीं मार पा रहा। भाई यहाँ पर एक बंदे नहीं है, बहुत सारे हैं। रुक जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ना देखो क्या है कि ना अभी इस गेम में ना हेलीकॉप्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरे को लग रहा है कि मैंने इनसे पंगा लेके ना बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी। निकल तेरी ऐसी की तैसी। यहाँ पर अगर ये जालियां नहीं होती ना तो मैं इन लोग को बहुत ही ज्यादा आराम से मार देता। अभी देखो मैं ये कह रहा था कि हेलीकॉप्टर होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है और सामने की तरफ से रॉबर्ट वाले टैंक्स, वाह भाई तेरी ऐसी की तैसी, मिनी गन मारेगा मेरे को भाई, भूत बना दूंगा। यहाँ पर ना आगे की तरफ में ये रॉबर्ट वाले जो टैंक है ना भाई, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अभी ना फटाफट से मैं यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर में जाना है कुछ भी कर। अगर मैं एक बार हेलीकॉप्टर में बैठ गया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, वरना ये लोग मेरे को नहीं छोड़ने वाले। जल्दी, कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए, फटाफट से भगाना है। ओ भाई मेरे हेलीकॉप्टर में गोलियां मार रहा है, वो तो बहुत ही बुरी तरह, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर को वैसे ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा। तो चलो सर अभी फिलहाल यहां से मैं निकल चुका हूं। तो भाई देखो ना यहां पर हेलीकॉप्टर होना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार पूरे के पूरे रास्ते में ना सोल्जर्स खड़े रहते हैं और अगर आप अपनी बाइक या फिर अपनी गाड़ी को जंगलों के बीच से ले जाओगे तो भाई इतने पत्थर आते हैं, इतनी बुरी तरह बाइक से गिरोगे, बाइक भी फूट जाती है, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है कहीं पर भी अगर हमें जाना होता है। तो अभी फिलहाल ना मेरे को यहां पर आना था, यहां पर ना शायद से स्केल के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अभी ना एक काम करता हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा अपना हेलीकॉप्टर मैं कहां पर लैंड करवाऊं। तो एक काम करते हैं, अपना हेलीकॉप्टर मैं यहां पर एकदम आराम से उतरवा देता हूं। अभी ना भाई इतना ज्यादा कोहरा किस लिए हो रहा है भाई यहाँ पर? एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है यहाँ पर और मुझे कुछ ढंग से नजर भी नहीं आ रहा। एक काम करते हैं आगे की तरफ में चलते हैं और यहाँ पर शायद से मैं पहले आ रखा हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। अभी ना अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता अंदर कोई अपना फ्रेंड हो, जोसाया हिल यहाँ पर शायद से हो सकता है। वो देखो वही बैठा हुआ, मेरे को लग ही रहा था कि जोसाया यहाँ पर होगा। मैं इस जगह पर ना पहले गाइस आ रखा हूँ। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल मेरे हिसाब से ये जो सीन है ना ये पुराने दिन के सीन है। ओ भाई साहब ये क्या सीन है, यहाँ पर कोई लड़की मरी हुई है और ये जो बंदा है ना यार इसके साथ एक मतलब ना पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं कुछ नोमैड की। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर लग रहा है इसने ना किसी लड़की को मार दिया है। भाई क्या सीन है, किसने मारा पता नहीं। तो भाई ये कह रहा है कि ये जो लड़की है ना मेरे को चक्कू मारने के लिए आ रही थी इसलिए मैंने इसकी गन मार दी। अभी ना ये जो चीज है ना यहाँ पर ये दोनों कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, इसने लड़की को जानबूझ के मारा है। अब पता नहीं यार क्या सीन है। अच्छा वॉकर है गाइस ये, अभी मेरे को समझ आया भाई, मतलब कि ये जो वॉकर नाम का बंदा है ना ये पहले यार मतलब नोमैड का ही दोस्त था लेकिन ना अभी उस वाले आइलैंड में जाकर ये शायद से बहुत ही बड़ा एक टाइप से ना टेररिस्ट टाइप बन चुका है और यहाँ पर अभी इसको बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया इसके ऊपर। ओ भाई ये क्या, इसने मतलब कि अपनी टीम के बंदे को मार दिया। अब देखो गाइस ये ना अभी का सीन है, ये पुरानी याद है और ये जो वॉकर नाम का बंदा है ना अभी ये अपना दुश्मन बन चुका है, पहले ये दोस्त था। भाई साहब ये चीज मेरे को अब समझ आई, मेरे को लग रहा था कि सेम शक्लें तो हैं बट मैं पूरा 100% श्योर नहीं था, मतलब यार गेम में कुछ भी हो सकता है इसलिए।
क्योंकि गाइस यार यहां पर देखो उस लड़के ने इस लड़की को मारा और वॉकर ने उस लड़के को ही मार दिया। तो देखो ये पुरानी यादें थी जो कि नोमैड सोच रहा था, मतलब कि जो वॉकर नाम का बंदा है ना वो पहले अपना दोस्त हुआ करता था, लेकिन ना इस वाले आइलैंड में आकर वो एक टाइप से अपना भी दोस्त नहीं अपना वो दुश्मन हो चुका है, हमें उसको मारना है। यहां पर वो पता नहीं क्या करना चाहता, उसका प्लान क्या है अभी सब कुछ पता चलेगा। क्योंकि गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर जोजाय हिल से तो बात हो गई और यहां पर ना मैं वॉकर के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है, और जो हमारा फर्स्ट मिशन था ना जेसिस्केल के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करना, फिलहाल वो वाला मिशन तो एक टाइप से कंप्लीट हो गया, लेकिन वो मिशन जो अभी आगे और चलने वाला है, लेकिन उससे पहले ना हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा ये वाला मिशन जिसके अंदर हमें फाइंड करना है वॉकर को। अब देखो यार वॉकर को फाइंड करने के लिए ना सबसे पहले हमें किसी एनिमी ऑफिसर को इंटेरोगेट करना पड़ेगा जो कि हमें उसके बेस लोकेशन बताएगा जहां पर वॉकर रहता है। तो भी ना जल्दी से किसी एनिमी ऑफिसर को पकड़ते हैं। एक काम करता हूं, ये वाला जो मिशन है ना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, तो भी ना जल्दी से चलते हैं। और गाइस इस मिशन का नाम आप सुनोगे ना डर जाओगे, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, मतलब कि एक टाइम से वॉकर जो है अपना ब्रदर ही था, तो अभी जो फाइट होने वाली है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पर इतना ज्यादा कोहरा क्यों है, खैर छोड़ो जो भी है अभी अपन तो हेलीकॉप्टर में तो मुझे कोहरे से कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो कि गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ सीधा जेसिस्केल फाउंडेशन पर। अब हमें ना किसी एनिमी ऑफिसर को इंटेरोगेट करना था, वो चीज़ तो यार हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन ना यहाँ पर मेरे हिसाब से हमें एनिमी ऑफिसर भी मिल जाएंगे जिन्हें मैं इंटेरोगेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर ना जेसिस्केल की फाउंडेशन है, और जितने भी हमने क्ल्यू इकट्ठे करे थे ना उस क्ल्यू के हिसाब से जेसिस्केल जो है यहीं पर होना चाहिए। अभी ना फिलहाल यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग रहने वाले हैं, मतलब सिविलियंस हैं, और यार बाकी जिस जगह पर हमें जाना है ना वो ये वाली बिल्डिंग है। अभी मुझे इस बिल्डिंग में भी करेक्ट लोकेशन नहीं पता कि मुझे कहाँ पर जाना है, लेकिन हाँ यार इतना पता है कि मुझे ना इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करना है। खैर छोड़ो अपना भी ना ड्रोन फटाफट से मैं बंद करता हूँ और जल्दी से ना इस जगह के अंदर चलते हैं। और यहाँ पर ना मुझे ज़्यादा सोल्जर्स तो नज़र नहीं आए थे, एक काम करता हूँ ना ये वाले गेट तो खुलने नहीं वाले, एक काम करता हूँ ना जो इसका हेड ऑफिस है ना मुझे वो इन्वेस्टिगेट करना है। अब यार देखो हेड ऑफिस की भी एकदम करेक्ट लोकेशन तो मुझे मालूम नहीं है, सामने की तरफ में ना एक सिविलियन जा रहा है, और अगर मैं इससे बात करूँ तो भाई साहब ये तो डर भी नहीं रहा मेरे से, अबे क्या है भाई साहब बुड्ढे में कितनी चोट है, रोबोट है क्या भाई, अच्छा अब डरा सामने से देखा तो इसे डर लगा, लेकिन यार यहाँ पर मैं इससे क्या ही बात करूँगा, इससे हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी एक आंटी जी बैठी हुई जो कि मेरे को देख के अलग ही डर के मारे भाग रही है। अब फिलहाल देखो जेसिस्केल का जो हेड ऑफिस है ना मेरे हिसाब से वो ये वाला है, और यार यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो मुझे लग तो नहीं रहा कि हेड ऑफिस ये होगा। और यार बाकी इस हेड ऑफिस की एंट्रेंस कहाँ से है वो भी मुझे नहीं समझ आ रही, भाई क्या जगह बना रखी है ये, यहाँ पर मैं शायद से पहले आया था एक बारी, पता नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रही। और गाइस यार यहाँ पर ना एक सीढ़ी जा रही है, अगर मैं सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर जाऊँगा तो क्या पता जो अंदर जाने का रास्ता है वो ऊपर से हो, मतलब भाई कुछ कह नहीं सकते अभी इस जगह के बारे में, हो सकता है नीचे बेसमेंट में भी हो, लेकिन हाँ इतना मुझे लग रहा है कि जेसिस्केल ना यहीं कहीं पर है आसपास। अभी फटाफट से हम लोग एकदम धीरे धीरे चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि आखिरकार जेसिस्केल हमें कहाँ पर मिलता है। तो कैसे देखो ये वाली जो बिल्डिंग है ना ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मेरे हिसाब से इनको इन्वेस्टिगेट करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, और मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर एंटर आखिरकार होऊंगा कहाँ से। तो गाइस एक काम करता हूँ ना यहाँ पर मैं ना ड्रोन से पूरा का पूरा चेक कर आता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर नीचे का जो एंट्रेंस का रास्ता है वो कहाँ पर है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बिल्डिंग के अंदर एंटर कहाँ से होऊंगा। ओ भाई साहब मैं अंडर कंस्ट्रक्शन समझ के पूरा का पूरा ऊपर से चढ़ गया, और देखो मेन एंट्रेंस ये रही, भाई मेरे साथ हो गया बहुत ही तगड़ा स्कैम। और यहाँ पर इन लोगों ने ड्रोन देख लिया, ओ भाई गड़बड़ होगी, ओ तेरी मेरा ड्रोन ही तोड़ दिया, शिट यार ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी। लेकिन ना इतना तो मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। भाई साहब पहले मेरे को लग रहा था कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, अब मेरे को तो कन्फर्म लग रहा है कि जेसिस्केल जो है यहीं पर है, और मेरे हिसाब से वॉकर भी यहीं पर हो सकता है, क्योंकि वॉकर ने ही मेरे हिसाब से जेसिस्केल को किडनैप कर रखा है, फिर जो भी है बंदी बना रखा है। अभी ना फटाफट चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ में फटाफट से, भाई बहुत ज्यादा खतरनाक सीन अभी यहाँ पर होने वाला है, बस ना मुझे जल्दी जल्दी से नीचे की तरफ में चलना है, और भाई काफी ज्यादा लंबी लैडर है वरना तो मैं सच्ची बता रहा हूँ कूद जाता। अभी जल्दी जल्दी से एकदम आराम से मैं स्लाइड करके नीचे की तरफ में निकल लेता हूँ। सामने की तरफ से ना काफी सारा सिक्योरिटी गार्ड भी आ रहे होंगे तो मुझे उनसे भी बच के रहना पड़ेगा। अब यार बहुत तगड़ा सीन हो गया, मतलब कि हम लोग ऑलमोस्ट जेसिस्केल के पास पहुंच चुके हैं। अभी ना जल्दी से चलकर देखते हैं कि अंदर क्या सीन है। भाई सोचो जिस बंदे को हम लोग इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं फाइनली वो बंदा हमारे हाथों लग चुका है। और यार इतनी ज्यादा सीढ़ियां किस लिए बना रखी है भाई, इतनी ऊंची बिल्डिंग भाई खतरनाक है। जेसिस्केल को बेचारे को उसी की बिल्डिंग के अंदर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी उसी के अंदर किडनैप कर लिया, और इसी ने मेरा ड्रोन तोड़ा था, तेरा मैं मुंह तोड़ दूंगा। भाई साहब इसने अच्छा खासा मेरा ड्रोन तोड़ दिया, वरना मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता वहां पर जाकर। और यहां पर सामने से एक आ रहा है, इधर आ तेरी ऐसी की तैसी हेडशॉट ही मारूंगा, और मेरे पास ना भी एमओ की कमी नहीं पड़नी चाहिए वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और यहां पर ना मेरे को इसके पास एक बेस्ट मिल गया, और भाई साहब ये अंधेरे में बंदा खड़ा हुआ मेरे को दिख नहीं रहा, ओ भाई इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है अंदर, मेरे बहुत ही बुरी तरह पड़ गया, और मेरे को ना भी हील करना पड़ेगा। हीलिंग के लिए मेरे पास फिलहाल तो है तो हील, लेकिन अभी इतनी ज्यादा डैमेज हुई नहीं है। और यहां पर मैम आप मत छोड़े ना वरना यूं गोली आपके मत्थे में बजा दूंगा, ठीक है। यहां पर ना एक काम करता हूं थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, क्योंकि अगर मैं जितना पानी पी के रखूंगा ना उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अभी ना फटाफट से हम लोग
यहाँ पर एक गिलास पहले पानी चढ़ाते हैं। अब मैं अंदर घुस के इनका मैं मुंह तोड़ने वाला। आ जा बेटा यहाँ पर आ जा। अबे मेरी गन क्यों नहीं निकली? वाओ भाई साहब, गन निकालने में इतना टाइम लगा रहा है। नोमैड भाई साहब गधैया ही है। मेरे पास यहाँ पर अगर कोई टॉर्च होती तो यहाँ पर मैं शायद से लाइट जला के थोड़ी सी रोशनी करके अच्छे से देख पाता। बाकी यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंदर इन्होंने लाइट वगैरह सही तरीके से लगा रखी है। लेकिन यार दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर ओके मेरे को राइट से जाना है। वही मैं सोचूं कि यार राइट में तो कोई रास्ता ही नहीं है, लेफ्ट में। तो यहाँ पर अभी नीचे की तरफ से काफी सारे बंदे आ रहे हैं भाई, बहुत सारे बंदे नीचे हैं। यानी कि गाइस अभी सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है और सामने से एक और बंदा आया। भाई मेरी गन रीलोड हो रही है। शिट, अभी मेरे चोट लग चुकी है। अभी ना मेरे को फटाफट से बैंडेज लगानी पड़ेगी, और अगर कोई सामने से आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। काम करता हूं ना, जल्दी से मैं बैंडेज लगा लेता हूं। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल सामने से एक बंदा तो आ रहा है, लेकिन अगर मेरी पहले बैंडेज लग गई ना तो बहुत ज्यादा सही रहेगा। बैंडेज लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे जो मर्जी आ जाओ, मेरे पास एमओ भी बहुत ज्यादा, गन भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो गाइस यार देखो, ये जो जगह है ना यार, मुझे बहुत ज्यादा अजीब सी लग रही है, और अब तो आगे जाने में भी डर लग रहा है। पता नहीं यार मैं चलते चलते कितना ज्यादा बेसमेंट में आ गया हूं। और मुझे पता है क्या लग रहा है कि आगे चलकर ना मुझे हाई सिक्योरिटी मिलने वाली है, क्योंकि जो व्हाइट वाले आप लोगों देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे वुल्फ वाली जो सिक्योरिटी होती है ना, वुल्फ्स गैंग के बंदे, जो कि ओ भाई यहाँ पर इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड है और इन्होंने मुझे देखा नहीं। इनको डाउन तो देखो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक के शॉट बजाया। दूसरा वाला यहाँ से भाग के आएगा। आजा 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 बेटा, जैसी झाँकेगा वैसे ही मारूंगा मुंह के ऊपर सीधा। लेकिन यार ये तो वहां पर जाकर बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे चल के मारेगा। बेटा तेरा डर नहीं मारा, यहाँ पर निकल यहाँ से। अभी जब तक हाई सिक्योरिटी नहीं आएगी ना, मैं इनको एक एक गोली में डाउन कर सकता हूँ। और जो हाई सिक्योरिटी वाले होते हैं ना भाई साहब, उनके पास होता है बहुत तगड़ा हेलमेट, उस पर चाहे तुम तीन चार गोली मार दोगे ना हेडशॉट, तब जाकर एक बंदा डाउन होगा। तो अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे तरफ में। और यहाँ पर एक बंदा हो रहा है। मेरे पास एमो कम होगी क्या यार, रीलोड कैसे? भाई एक सेकंड, रुक जाओ, गेट खोलो। आगे अगर मैं जाऊंगा ना, एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ, निकल गंजे भाई साहब, इसके पास तो हेलमेट ही नहीं है, कैसे नकली है एक ही इधर। भाई साहब गंजे को देखकर तो ऐसा लगता है ना कि इसके सिर्फ हेडशॉट ही पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखो, ये रहा, ये नूब वाली फीलिंग आ रही है भाई इन लोग को तो देख के। तो गाइस यार अभी तो एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन गाइस यार अभी ना एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। सामने की तरफ मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पर हाई सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है, जो कि यार वॉकर की गैंग के बंदे ना, जो वॉकर की टीम है वुल्स गैंग के, वो सारे के सारे यहाँ पर आगे की तरफ में मेरे को मिलने वाले हैं। अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस जगह से आया था मैं उसी जगह पर वापस जा रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, ये एकदम अलग जगह भाई, ये पूरी की पूरी डिफरेंट लोकेशन है। और ये देखो गाइज, ये वही वाली गाड़ी है जो कि हमें हमेशा आकर मारती थी उस जगह पर। भाई सच्ची में यहीं पर बन दिया गया सारी की सारी गाड़ियाँ। भाई अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आगे चलने में। और ये जो म्यूजिक बज रहा ना, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आगे की तरफ में ये देखो, इसके मैंने एक हेडशॉट मारा भाई, अभी तक तो फिलहाल एक भी नहीं लगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक में नहीं मरने वाला। और सामने की तरफ में दो दो तीन तीन, और तेरी भैंस की, इन्हें मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इधर साले निकल यहाँ से। अभी फटाफट मैंने इसको तो डाउन कर दिया है, और यहाँ पर ग्रेनेड डाल दिया। भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान से इनसे फाइट लेनी पड़ेगी। अब मैं एक काम करता हूँ ना, अपनी स्नाइपर निकालता हूँ, और ये इसके पीछे बंदा बैठा हुआ है। बेटा अगर तूने झांकने की कोशिश करी, निकल यहाँ से। स्नाइपर की एक गोली में तो मैंने इसको डाउन कर दिया है। अभी फटाफट चलते हैं हम लोग आगे की तरफ में। और यार सच्ची में इनका एम भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये रहा एक बंदा, आजा आजा बेटा तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। भाई साहब ये है हाई सिक्योरिटी, मतलब कि इनकी शक्लें देख लो, ये है वुल्फ गैंग के बंदे। और यहाँ पर ना इसके पास से मुझे एक बूट मिल गया है, फटाफट से ना इनके जूते में पहन लेता हूँ, शायद से ग्रिप वगैरह अच्छी बन जाए। यहाँ पर फिलहाल सारे ही शूज़ बेकार है, लेकिन ये जो नए वाले मिले पहले से तो ठीक है। और यहाँ पर मेरे को हेलमेट मिला था, ये वाला पहन लेते हैं। और अभी जो अपना प्लेयर है ना भाई, देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। बस ना हमें यहाँ से 30 मीटर दूर और जाना है, और वहाँ पर हमें कोई ना कोई चीज़ जो है मिलने वाली है। अभी यहाँ पर कुछ तो होगा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा तगड़ा। और सामने की तरफ में दो खड़े, निकल यहाँ से, और तू भी निकल, ठीक है? सीधी सी बात है, वरना और बुरे वाला मुंह तोड़ूंगा। और यहाँ पर अभी ये वाला गेट कौन खोलेगा? अभी फटाफट से चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ में। और यार यहाँ पर ये क्या है? एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है। ओ भाई ये जेसे स्केल मेरे को लग तो रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग शक्ल लग रही है। ओ भाई साहब फाइनली तुम्हारे भाई ने जेसे स्केल को ढूंढ लिया। भाई साहब इसको इतने सारे बंदे इतना ज्यादा बेसमेंट में लेकर बैठे हुए थे, और ये बेचारा मेरे से डर रहा है जबकि मैं तो इसे बचाने आया हूँ। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको बता दिया कि मैं फॉक्स का दोस्त भी हूँ साथ के साथ, क्योंकि जो फॉक्स है ना वो इसी के नीचे काम करता था, इसी का एम्प्लॉय था कोई। अभी फिलहाल यहाँ पर इससे बात हो गई है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर ना अभी मैंने जेसे स्केल को बोल दिया कि तुम मेरे साथ चलो, वरना ना यहाँ पर ये लोग तुम्हें मार देंगे। तो चलो गाइस यार जिस बंदे को हमें ढूंढना था भाई, ये ना एक बहुत ही बड़ा मतलब कि टैक जीनियस है। अभी खैर जो भी है, यहाँ पर इसकी हालत भाई इन लोगों ने बुरी कर दी है, अब जाकर इसकी जान में जान आई है। भाई साहब कैसे मार रहा है, कपड़े वपड़े तो गंदे नहीं है। खैर छोड़ो, जो भी है, यहाँ पर जेसे स्केल को, जिस बंदे को हमें ढूंढना था, इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इतने पापड़ बेलने के बाद जेसे स्केल हमें जो है फाइनली मिल गया है। मतलब कि ना ये यहाँ के जो सोल्जर्स है ना, वो इसका यूज कर रहे थे, इसके थ्रू ना वो तगड़े तगड़े वेपन्स बनवा रहे थे, क्योंकि ना इसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है, बहुत ज्यादा जीनियस बंदा है ये। तो गाइस यार यहाँ पर मेरे को लग रहा है पीछे की तरफ से कोई तो आया। भाई साहब इधर से, ओ
भाई साहब स्मोक ग्रेनेड आ गया भाई, कोई तो खतरनाक बंदा यहाँ पर आ रहा है। स्मोक ग्रेनेड किसने फेंका भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारा जो नोमैड है ना भाई अभी सबका मुंह तोड़ेगा। लेकिन ये जो चीज का है वो क्या है? ओ भाई साहब ये रहा वॉकर फाइनली। देखो भाई ये जो वॉकर है ना इस टाइम पर इस गेम का सबसे बड़ा विलन है। लेकिन ये पहले हमारा दोस्त हुआ करता था, अपनी बराबरी का ये बंदा। लेकिन यार अभी ना ये गलत तरीके से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। मतलब कि ना इसने जेस स्केल को किडनैप करा और इसके थ्रू ना इससे काफी ज्यादा तगड़े तगड़े वेपन्स बनाए, काफी तगड़े तगड़े ड्रोन बनाए जो कि फायर वगैरह भी करते हैं। और यार इसके पास बहुत ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी है। अब दोस्त होने के खातिर नोमैड इसको समझा रहा है। ओ भाई ये क्या है? अबे भाई साहब जोसाया हिल तो खुद इसके साथ है और ये हमें कह रहा था कि हम उसकी मत। भाई साहब ये बहुत खतरनाक बंदे हैं, ये बहुत खतरनाक है। ओके तो मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग अब यहाँ से निकल सकते हैं। और ये अपनी पिस्टल रीलोड कर रहा है और मेरे को लग रहा है कि जेस स्केल के मत्थे में या फिर नोमैड के मत्थे में पिस्टल पड़ने वाली है। तो भाई साहब यहाँ पर बहुत गलत सीन हो गया है। यहाँ पर वॉकर कह रहा था नोमैड क्योंकि तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसने मना कर दिया। ओ ये क्या चीज थी? अबे बुलेट प्रूफ है ये तो। अबे इसको पागल बना दिया कि ये क्या चीज थी, मेरे को समझ नहीं आई। यहाँ पर देखो मैंने कहा था ना ये जो बंदा है बहुत ज्यादा जीनियस है। लेकिन गाइस यहाँ पर ये जो इसने दिमाग चलाया ना बहुत ज्यादा खतरनाक था। मतलब कि ना पूरे का पूरा बुलेट प्रूफ ग्लास उसने पता नहीं कम में ऐसी चीज बना रखी थी और वो कम में ऐसे उठा दिया और उसको पता ही नहीं चला। वो मारने तो आया था नोमैड को लेकिन यार यहाँ पर वो मार नहीं पाया। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल नोमैड एंड जेस स्केल बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हो चुकी है क्योंकि ये जो फाइट है ये हो चुकी है ब्रदर वर्सेज ब्रदर। आपको पता होगा जो वॉकर है उसके पास कितनी ज्यादा खतरनाक फोर्स है। जब हमारे हेलीकॉप्टर क्रैश हुए थे उसके बाद जो हमारे सोल्जर्स बचे थे उसको भी वॉकर ने मारा था। और गाइस यार ये जो रास्ता है ना इस रास्ते से अभी फिलहाल हम दोनों यहाँ से बाहर तो आ चुके और ये ना बहुत ज्यादा डर रहा है। तो अभी ना फटाफट हमें जेस स्केल को इस जगह से बाहर तो निकालना है लेकिन हमें ना इसको लेकर पहुंचना है सीधा उस जगह पर जहां पर हम लोग एक सीक्रेट केव में छुप के नहीं रह रहे। उस जगह पर अभी ना हमें इसे जल्दी से जल्दी लेकर पहुंचना है। अब देखो जेस स्केल अगर हमारे साथ आ गया ना तो ये ऐसे ऐसे वेपन्स बना देगा ना कि वॉकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता होगा जेस स्केल यार बहुत ज्यादा जीनियस आदमी है, ये बंदा भाई कुछ भी कर सकता है। तो अभी ना फिलहाल मैं फटाफट यहां पर बाहर की तरफ में एक हेलीकॉप्टर खड़ा था, इस हेलीकॉप्टर में बैठ तो गया हूं और ना अभी मुझे जल्दी से जल्दी यहां से निकलना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है डर क्या लग रहा है। अब वॉकर को पता तो ये है कि हम लोग यहाँ से जेस स्केल को लेकर भाग रहे हैं तो वो हो सकता है बीच रास्ते में हमें मारने के लिए काफी सारे बंदे भेज दे। तो गाइस यार सच्ची में जेस स्केल जो है ना यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया बंदा है, ये ना हमसे सॉरी बोल रहा है। अब आपको याद होगा पहले एपिसोड में हमारे जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुए थे वो सारे के सारे हेलीकॉप्टर ड्रोन ने क्रैश करते उसकी पंखड़ियों पर टक्कर मार के। तो ये कह रहा है कि ये ना सारे के सारे ड्रोन जो है ना इसी ने बनाए थे लेकिन ना इससे जबरदस्ती बनवाए थे वॉकर ने। अब भाई देखो ये कह रहा है कि ना एक बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ की बात है, वॉकर ने ना इससे मतलब कि बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े वेपन्स बनवा के अपने पास रख लिए हैं। लेकिन ये कह रहा ना कि उन वेपन्स का तोड़ भी मुझे पता है और साथ के साथ ये भी मेरे को आता है कि और तगड़े वेपन्स कैसे बनाए जा सकते हैं। भाई देखो अभी ना बहुत ज्यादा जीनियस बंदा हमारे हाथों लग चुका है, बस यार हमें ना अपने पास कुछ बंदों की जरूरत है कि ताकि हमारी टीम जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी हो पाए। और यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने अपना हेलीकॉप्टर तो यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है और जिसकी पंखड़ी भी टूट चुकी है। तो अभी ना जल्दी से वॉकर को यहाँ पर अंदर सीक्रेट केव में लेकर चलते हैं। भाई सच्ची में आज आ गया असली मजा। तो कि गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सीन हो चुका है, मतलब कि यार अभी जेस स्केल हमारे साथ आ चुका है जो कि हमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया वेपन्स भी बनाकर देगा शायद से आने वाले टाइम में अगर इसको सम्मान मिलेगा तो। लेकिन यार सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि जो वॉकर है जो अपना भाई था अभी वो बन चुका है अपना दुश्मन, यानी कि जो अभी हमारी मेन फाइट चलने वाली है वो चलने वाली है वॉकर से। अब उसके पास जाने से पहले ना यहाँ पर एक बारी मैं चल लेता हूँ पीछे की तरफ में जेस स्केल से बात करते कि आगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर ये जो रास्ता जा रहा है ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। ये देखो यहाँ पर डॉक्टर फॉक्स की बेटी भी बैठी हुई है। अभी ना यहाँ पर डॉक्टर फॉक्स और जेस स्केल मिलके मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़े तगड़े इन्वेंशन करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं एक बारी बात करता हूँ डॉक्टर फॉक्स से, क्या पता ये हमें कुछ नया क्ल्यू दे नया मिशन दे। तो चलो गाइस यार यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पीछे से वो भी चलकर आ गया और ये जेस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया। भाई देखो इस बंदे को ढूंढने के लिए हमने इतने पापड़ बेले और काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो कि गाइस यार ये कह रहा है कि ना एक बहुत ज्यादा दूर लेक है, उसकी लोकेशन ना इसने हमें अपने मैप में बता दिया है। तो यहाँ पर अभी हमें जाना है, ये जो जगह है ना यार बहुत ज्यादा दूर है तो यहाँ पर जाकर ना हमें किसी से बात करनी है। कोई यहाँ पर लड़की है और वो हमें ना AI सिस्टम जो होता है मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिससे मतलब ये जो ड्रोन वगैरह जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं ना उस चीज के बारे में कुछ पता चलने वाला है। खैर इतना मुझे भी समझ नहीं आया लेकिन जो बाकी चीज है ना वहीं पर चलकर समझ आने वाली है। तो भी ना फटाफट हम लोग यहाँ पर बाहर निकलते हैं और बाहर की तरफ में हेलीकॉप्टर तो हमें बहुत ही ज्यादा आराम से मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता वहां पर पहुंचने में टाइम लगने वाला है। तो भी ना जल्दी से हम लोग
वहां पर पहुंचते हैं और वहां चलकर ना उस लड़की से इंफॉर्मेशन लेते हैं सारी की सारी जो कि जिस स्केल ने हमसे मंगवाई है। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से हम लोग इस वाले हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं। मुझे ना डर ये लग रहा है कि इस वाले हेलीकॉप्टर की जो पंखड़ी है ना वो सामने वाले हेलीकॉप्टर से नहीं टकराई। चलो भाई यही चीज मैं चाहता था और सेम टू सेम वही हुई। और अभी ना हमें यहां से जाना है 8.5 किलोमीटर दूर दूसरे आइलैंड पर। एक बार मैं मैप में चेक कर लेता हूं मैं सही जा रहा हूं ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट करेक्ट जा रहा हूं। तो अभी ना बस हमें एकदम सीधा सीधा जाना है, वहां पर एक ब्लेक्स लॉ आएगा मतलब कि ना वहीं पर हमें जाकर रुकना है और वहां पर उस एरिया को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना है, वहां पर उस लड़की को ढूंढना है और उससे बात करनी है जिस स्केल की एआई सिस्टम के बारे में। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल जिस जगह पर हमें जेस स्केल ने भेजा था एआई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उस लड़की से, फिलहाल वहां पर तो मैं पहुंच चुका हूँ। और ये जो जगह है ना यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी एक लेक है जिसके बीच में ना काफी सारी बिल्डिंग है और यहीं कहीं पर ना वो लड़की भी छुपी हुई है, मतलब छुपी हुई नहीं है वो यहाँ पर नॉर्मली रह रही है, पता नहीं क्या सीन है वो हमें आगे चलकर ही पता चलने वाला है। तो उस लड़की से हमें ना बात करनी है और सारी की सारी एआई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और यहाँ पर देखते ही देखते सुबह भी होने वाली है। अभी फटाफट से ना हम लोग यहाँ पर आगे तरफ में चलते हैं और मुझे पता है डर क्या लग रहा है कि यहाँ पर जितने सिक्योरिटी गार्ड है ना इनको मैं मार तो नहीं सकता। मतलब हम लोग हमेशा क्या करते थे कि पहले बंदे मारते थे फिर इन्वेस्टिगेट करते थे एकदम आराम से खुले घूम के। तो गाइस यार यहां पर अगर मैंने बंदे मारने की सोची तो सीन जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा क्योंकि यहां पर एक नहीं दो नहीं कम से कम मेरे हिसाब से 200 से 300 सिक्योरिटी गार्ड होंगे और साथ में जो रोबोट्स वाली कार है वो भी यहां पर मेरे हिसाब से मौजूद है। तो इसलिए ना मैं एकदम चुपचाप से इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने वाला हूं कुछ इस तरीके से कि किसी को भनक भी ना चले कि यहां पर कोई टेररिस्ट आया हुआ है। और जैसे एजेंट 47 करता था ना इन्वेस्टिगेशन सेम टू सेम उसी तरीके से भी मैं इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूं। अभी ना फटाफट चलते हैं हम लोग आगे की तरफ में। यहां पर ना फिलहाल कोई मैम बैठी हुई है, इससे इसको मेरे को ना डराना पड़ेगा और इससे ना पूछना पड़ेगा कि आखिरकार वो जो लड़की है वो कहां पर है। और यहां पर ना अभी देखो क्रॉमवेल से हमें हम उसको ढूंढना है, तो वो जो लड़की है ना उसका नाम है क्रिस्टीना क्रॉमवेल, तो उसी की हमें बात करनी है। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने इस लड़की से तो बात कर ली और ये कह रहे कि ना मुझे उसके बारे में करेक्ट लोकेशन तो नहीं पता लेकिन जो उसका ऑफिस है वो एकदम टॉप फ्लोर पर है। और यहां पर मेरे को समझ नहीं आ रहा ये बंद कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं भाई, सब बच्ची है क्या, जैसे बच्चे नहीं चलाते बंद कंप्यूटर वैसे हरकते हैं। खैर छोड़ो जो भी है, यहां पर ना भी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं ऊपर कहां से जाऊंगा भाई। ओके यहां से रास्ता है तो मुझे ना यहां से आगे बढ़ना है एकदम चुपचाप से, मतलब कि ना अभी कुछ भी करके मुझे क्रिस्टीना क्रॉमवेल तक पहुंचना है। और यहां पर ना सामने की तरफ में काफी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड है जो कि मुझे देख सकते हैं, तो मुझे ना इनसे बचकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन यार ये तो एक टाइप से पूरा का पूरा इंपॉसिबल है भाई। तो गाइस यार मुझे ना अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहां से ऊपर कैसे जाऊंगा क्योंकि हर सीढ़ी के सामने यार जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है ना यहां के जितने भी सोल्जर्स हैं वो खड़े हुए हैं। तो यहां पर मैं अपना ड्रोन यूज कर रहा हूं तो पीछे की तरफ से अगर मैं यहां से जाऊंगा तो फिलहाल सीढ़ियां तो यार सामने की तरफ में ही है, यानी कि मुझे ना इसको या तो रास्ते से हटाना पड़ेगा या फिर से मारना पड़ेगा। तो यार बहुत ज्यादा खराब सीन है, अगर मैं यहां पर ग्रेनेड फेंकूंगा तो इन लोग को पता चल जाएगा। यार समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना चाहिए, कुछ भी करके ना मुझे टॉप फ्लोर पे पहुंचना है। वो देखो वो जो एकदम करेक्ट लोकेशन आ रही है हमारे पास उसकी, एक काम करता हूं ना इसको मैं मार देता हूं 3, 2, 1 एकदम चुपचाप से मैं मारूंगा और ये गया। तो यहां पर फिलहाल एक को मैंने मार दिया और गाइस सबको पता चल गया, इसमें यही होता है भाई एक बंदे को मारो पूरी दुनिया भर को पता चल जाता है। और यहां पर देखो पीछे की तरफ में ये बैठा हुआ निकलती रही ऐसी की तैसी यहां से पहली फुर्सत में। फिलहाल नहीं यहां पर अभी जल्दी जल्दी चलो, अगर यहां पर मैंने ऊपर जाने में देरी करी तो ये लोग मेरे को वहां पहुंचने से पहले ही मार देंगे। अभी ना वहां हम लोग पहुंच जाते हैं, बाहर निकलने का बाद में देख लेंगे, वैसे मैं भाग भाग के पहुंच जाऊंगा बाहर भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ना अभी जल्दी से ऊपर चल के हम लोग सारी की सारी एआई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लेकिन भाई ऊपर जाने की ओके ये रही भाई साहब, मैं बगल में सीढ़ियां और मैं पीछे जा रहा हूं, वाह भाई क्या हरकतें कर रहा हूं। खैर छोड़ो जो भी है, अभी ना यहां पर एकदम टॉप फ्लोर पे जाना है मैं सीधा और उसका ऑफिस टॉप फ्लोर पे ही था, उसने ऐसा कहा था। अभी फिलहाल यहां पर तो मैं पहुंच चुका हूं और वो जो लड़की है यही है गाइस यही है भाई साहब। चलो यहां पर अच्छा हुआ मैंने इसकी फोटो देखी हुई थी और मैंने इसको अभी जो है पहचान लिया है। तो कि गाइस यार यहां पर ना अभी फिलहाल मेरी क्रिस्टीना से तो बात हो गई और ये ना मना कर रही है एआई देने के लिए, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन यार जो भी है यहां पर ना मैंने इसको पूरा पूरा सीन बता दिया कि मैं वही हूं जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुए थे उसी में था मैं भी एक, और यहां पर ना भी पता नहीं क्या सीन है यार। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर हमारी क्रिस्टीना से तो बात हो गई और ये कह रही है कि यहां पर जो आर्किमिडीज होल है ना स्केल्स फाउंडेशन कैंपस के उसी के अंदर जो है तुम्हें तीनों के तीनों एआई सिस्टम जो है मिल जाएंगे। तो ना भी फटाफट हमें वहां पर पहुंचना है और ये पता नहीं कैसी सी जगह है, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि यहां से मैं एग्जिट कैसे होऊंगा। अभी फिलहाल एकदम मैं भगदड़ मचाकर ऊपर तो आ गया था लेकिन जो नीचे वाले सिक्योरिटी गार्ड है ना मेरे हिसाब से पहले से थोड़ा सा शांत हो गए हैं। और गाइस यार सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अभी ना हमें इस जगह से जाना नहीं है, वो जो तीनों के इंटेल है ना वहां पर जाकर हमें एआई सिस्टम को कलेक्ट भी करना है फिर हम उसे लेकर यहां से जाएंगे, मतलब कि अभी खतरा जो है ना वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और यहां पर देखो किसी ने देख लिया भाई साहब, मुझे यही डर लग रहा था कि कोई मेरे को देखे ना। और यहां पर तेरी ऐसी की तैसी भाई साहब, कुछ ज्यादा ही जल्दी मैंने पता नहीं चल जाता और ऊपर से शोर अलग मचा देते हैं। अच्छा हुआ कि ये ना इंफॉर्मेशन आगे नहीं पहुंचा पाया, अब जिसने गन का साउंड सुना होगा ना वही हमारे पास आएगा इस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने गन का साउंड सुन के। अभी ना फटाफट मैं चलता हूं आगे की तरफ में और यहां पर ये बेचारे डर के मारे बैठे पड़े हैं। तो मुझे
मुझे ना गाइस वो देखो सामने वाली जो बिल्डिंग है ना उसके अंदर जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ ना यार वहाँ पर जाने का ना कोई और रास्ता अपनाता हूँ, पानी के अंदर से होता हुआ जाता हूँ, वहाँ जाके मैं बाहर निकल जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पर ओपन रास्ते से जाऊँगा तो शायद से गड़बड़ हो सकती है। देखो भाई सामने पानी है, तो अभी ना मैं पानी से जाने वाला हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से मैं अभी पानी में आकर कूद चुका हूँ, और अभी ना जल्दी जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ में। यहाँ पर ना सबसे पहले ना मुझे यहाँ से जाकर कुछ नहीं करना, सारे के सारे जो इंटेल है वो कलेक्ट करने हैं, और अपना जो ये वाला मिशन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हम लोग सीधा ले जाकर दे देंगे जेस स्केल को, और फिर जेस स्केल हमारे लिए भी वैसे वाले ड्रोन बना देगा। और यहाँ पर ना गाइस काफ़ी सारे ड्रोन है जो कि मुझे देख सकते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और यहाँ पर अभी जल्दी 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 भाई इस तरीके से करूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा पिटने वाला हूँ इन लोगों से। और यार देखो जो पहला इंटेल था वो अपना ना सामने की तरफ में, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा है, तो अभी चुपचाप से यहाँ पर मैं अंदर एंटर तो हो चुका हूँ। और वो रहा सामने की तरफ में जो मेन चीज़ मेरे को यहाँ से उठानी है ना, वो अपने अभी बहुत ज़्यादा पास है, और यहाँ पर मेरे को लग रहा है इसने मेरे को देख लिया। नहीं नहीं प्लीज़ 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 तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से भाई, मुझे यही डर लग रहा था कि ये लोग मुझे देख ना ले। और यहाँ पर से ना अभी मुझे ये जो चीज़ें ना इसे फटाफट से इन्वेस्टिगेट करना है, यानी कि जो AI की इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी अपनी पेन ड्राइव में फॉरवर्ड करनी है। तो चलो गाइस यार ये तो फिलहाल यहाँ पर मैंने एक PC से कलेक्ट कर लिया है, अभी सेम टू सेम ना यही चीज़ मेरे को 3 PC से और कलेक्ट करनी है। और यहाँ पर ना शीशे लगे पड़े हैं जो, अबे यार गेट कहाँ था मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये रहा गेट। अभी फटाफट यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, और यहाँ के जितने भी ड्रोन थे वो मेरे पीछे पड़ चुका, तेरी ऐसी की तैसी यहाँ से निकल पहली फुर्सत में। यहाँ पर सामने की तरफ में ना एक कंप्यूटर और है, और जल्दी से ना ये वाला कंप्यूटर उस साइड है भाई, पीछे से तो आके कोई भी गोली मार देगा हमारे बुरी तरह। ओ भाई साहब बहुत गलत सीन, अब मैं जाने वाला हूँ, अभी बहुत बुरी तरह मैं फंस चुका हूँ भाई, शिट यार यही चीज़ मैं नहीं चाहता था। अभी फिलहाल इस वाले कमरे में घुस के हम लोग बैठ जाते हैं, तो भाई अभी बहुत खतरनाक सीन हो चुका, मेरे को नहीं लगता कि मैं बचने वाला हूँ। तो गाइस यार यहाँ पर ना सामने की तरफ से काफ़ी सारे सोल्जर्स आ रहे हैं, और देख लो भाई ड्रोन ने मुझे मार दिया, मैं सोल्जर्स को मारने में बिजी था और यहाँ पर ड्रोन मुझे मार गया। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो जाकर लाइक कर देना, चैनल भी नहीं हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस यार थैंक यू सो मच फॉर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और यार जिसने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं करा इंस्टा पे फॉलो कर लो, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, इंस्टा एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।